राज्य में महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं, पर दिन प्रतिदिन प्रभाग पद्धति चुनाव के विरोध में लगातार स्थानीय पार्टियां विरोध कर रही हैं। नागपुर में वैरायटी चौक में अब जय विदर्भ पार्टी ने भी प्रभाग पद्धति चुनाव के विरोध में आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने वार्ड पद्धति चुनाव की मांग की और कहा कि सरकार ने सिर्फ बड़े और समृद्ध पार्टियों के फायदे के लिए यह निर्णय लिया है। वार्ड पद्धति के लिए वह कोर्ट में जाएंगे और आंदोलन भी तेज करेंगे। ऐसी चेतावनी आंदोलन के दौरान राम नेवले द्वारा दी गई है। राज्य में महानगर पालिकाओं का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, तनाव भी लगातार बढ़ रहा है, पर इस तनाव की वजह क्या है जरा ये भी जान लीजिए। हाल ही में मोहर लगे प्रभाग पद्धति चुनाव के खिलाफ राज्य की स्थानीय पार्टियां उतर रही हैं। इन पार्टियों का कहना है कि सिर्फ बड़े और समृद्ध पार्टियों के फायदे के लिए प्रभाग पद्धति चुनाव पर सरकार ने मोहर लगा दी, इससे तो केवल बड़े पार्टियों का ही फायदा होगा। इसी बात पर नागपुर के वैरायटी चौक में जय विदर्भ पार्टी ने भी प्रभाग पद्धति चुनाव के खिलाफ आंदोलन किया। जय विदर्भ पार्टी के राम नेवले ने बीसीएन न्यूज से बात करते हुए कहा कि वह प्रभाग पद्धति चुनाव के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और वार्ड पद्धति चुनाव की मांग पूरी न होने पर आंदोलन भी तेज करेंगे। बाइट ऐसे में राज्य में आने वाले महानगर पालिका चुनाव में क्या होता है, चुनाव प्रभाग पद्धति से होते हैं या वार्ड पद्धति से, यह देखना महत्वपूर्ण है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा हर बार आंदोलन किया जाता है, आज आंदोलन किया जा रहा है, क्या कारण है, क्या? विदर्भ राज्य आंदोलन समिति तथा जय विदर्भ पार्टी की ओर से दोनों मिलकर आज गांधी जी के सामने में वैरायटी चौक नागपुर पर एक आंदोलन यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे निदर्शन किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि मुंबई छोड़ के बाकी पूरे महाराष्ट्र की जो कॉरपोरेशन्स है, जो महानगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पर प्रभाग पद्धति से चुनाव होगा और मुंबई में वार्ड पद्धति से चुनाव होगा, ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है। ये निर्णय अन्यायकारक है, यह निर्णय जनता विरोधी है, यह निर्णय बड़ी जो श्रीमंत पार्टी है, जो समृद्ध पार्टियां हैं, पैसे वाली पार्टियां हैं, वहीं उनके उम्मीदवार खड़ा कर सकते छोटे मोटे आम जनता। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।